जनगण मन नम दोस्त, इस वीडियो सिर्फ मुस्लिम भाइयों के लिए। आप नॉन मुस्लिम हो तो इसको बंद कर देना, और देखना चाहे तो देख लेना, गुस्सा हो तो कमेंट बॉक्स में गाली दे देना, हम हजम कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। दोस्त देखो कितना सारे कमेटी कमीशन बना मुस्लिम के लिए। सचर कमीशन हम तो सब जानते हैं इतना कितना सारा, फिर भी आज देखो हमारा पोजीशन क्या है, मुस्लिम भाइयों का पोजीशन इस देश में क्या है। हर एक पार्टी खेल खेलता है मुस्लिम के साथ। यस, जब इलेक्शन आ जाता है वो फेस टिपी पहन के, ये दुपट्टा ऐसे करके, वो भिखारी जैसा वोट मांगने आ जाता है। दोस्त वो सब एक साथ गॉट अप गेम खेल रहा है ये मुस्लिम भाइयों के साथ। देखो आज न्यूज पेपर खोलो, टीवी न्यूज देखो, जितना सारे अपकर्म हो रहा है, मर्डर हो रहा है, अपहरण हो रहा है, रेप हो रहा है, सबके पीछे ज्यादा से ज्यादा नाम हमारा मुस्लिम भाइयों का आता है। क्यों आता है, क्यों एज अ सिम्टम डिजीज देखना है आपको? हाँ, डिजीज देख लो, डिजीज यह है हम जागृत नहीं है। क्या करता है वो पॉलिटिकल लीडरों ने, वो सब हमारे इमाम को थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं स्टाइपेंड के नाम पर, और वो हमको ऐसे भागते हैं, हे इसको दे देना, हम ऐसा सुनते हैं। हम कभी ऐसा नहीं पूछा हमारा नौकरी कहाँ लगेगा भाई, जॉब कहाँ है, आज जाओ आईटी सेक्टर पर कितना सारे आप ढूंढते रह जाओगे, मुस्लिम भाई को नहीं मिलेगा उधर। अब जाओ गवर्नमेंट नौकरी पर कितने परसेंटेज है, हम तो पॉपुलेशन में 30% है इंडिया पर, बट जब नौकरी में जाओ 1-2% से ज्यादा नहीं है। क्यों है ऐसा, हमको ऐसा बना रखा गया है? यस, क्योंकि हम धर्म के नाम पर ऐसा आधार में डूब रहा है, हमको दूसरा कुछ मालूम नहीं है, हमसे दंगा कराते जाता है। अरे यस, हमको उसका जाता है, हम ऐसा ही करता है, सिर्फ ऐसा ही समझता है। जितना ज्यादा कोई गवर्नमेंट पर नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम नहीं करता, उससे ज्यादा काम करता है कहां जानते हो? टेररिस्ट पार्टी पर, टेररिस्ट ग्रुप पर काम करता है। हाँ, दुख के साथ कहना पड़ता है हम जागृत नहीं है। क्या होता है हमारा, वो सब टेररिस्ट का जिसका बेटा विदेश में पढ़ता है, इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, और क्या करते हैं, हमको पढ़ाता है अरबी उर्दू, हमारे इधर मदरसा खोल देते हैं, मॉडर्न एडुकेशन हमको नहीं मिलता, हम रह जाता है डार्क सोसाइटी के अंदर। ऐसा ही कर रहा है ये लोग, जिस पार्टी को देखो वो बोलता है मदरसा में पढ़ो, अरे हमारा इमाम बोलता है मदरसे, काजी बोलता है मदरसे में जाओ, अरे क्या सीखे होता है, क्या करेंगे, वैसे कौन सा नौकरी लगता है भाई, कौन सा नौकरी लगता है वैसे? उसका बेटा उसका बेटी पढ़ता है इंग्लिश स्कूल पर, और हमको बोलता है कि जाओ उधर पढ़। देखो दुनिया बदल गया है, बहुत बदल गया है, मॉडर्न हो गया सब कुछ, हमको मॉडर्न एडुकेशन चाहिए, आप भी आवाज तो मॉडर्न एडुकेशन के लिए, अदर नहीं तो हम ये देश में रह के भी एक परदेश में रह जाएंगे। ये सच है, हम ये जो सोसाइटी जाए धीरे धीरे अलग होते जाएंगे। ऐसा सोचना है दोस्त, हमको मॉडर्न एडुकेशन चाहिए, हमको जागरूक होना चाहिए, फिर हम कुछ कर सकते हैं देश के लिए। अब जाओ ना कोई मुस्लिम बस्ती में जाओ, उधर क्या हो रहा है, अब जब देखो पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं करता, खेल धूल ऐसा ऐसा ही टाइम पास करता है,
ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त। आप आवाज तो लो, जब फिर ऐसा पॉलिटिकल लीडर वो फेस पे पढ़ के और इधर इधर ओढ़ना ओढ़ना ऐसा करके वो पोस्टर लगाएंगे, ईद मुबारक कहेंगे, ऐसा नहीं मानना, ऐसा नहीं चलेगा। काम करो भाई, काम करो। वो उसको मालूम हो गया हम बुद्धू है, हम बुद्धू है, हम थोड़ा सा धर्म का ऐसा रूप कर देते हो तो वो लोग मान जाएंगे। वो समझ, वो ऐसा ही समझते हैं। हम पूरा पूरा पलटा देंगे, उल्टा देंगे ये सब, ये सब। हमारा मुस्लिम भाई को भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं जाना चाहिए। जन गण मन नमो।